हेलो ट्रेडर्स, तो हेलो साथ आपका आज किसी वीडियो में हूँ हर्ष। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं एंड उससे आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड स्टॉक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं, वो हमारा इंडिकेटर कौन सा है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर की सेटिंग कौन सी रखनी है, फिर हम उसको यूज करेंगे कि उससे प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बैक टेस्ट करेंगे कि ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में भी वर्क करती है या नहीं करती है, ये EMA वर्क करता है या नहीं करता है या फिर फालतू का इंडिकेटर है, ठीक है। अगर वो वर्क करता हुआ दिखता है, ठीक है, तो आप उसमें पेपर ट्रेड कीजिए, आप उसका बैक टेस्ट और अपने से अच्छे से कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट करता हुआ दिखता है तो आप इसे लाइव में ट्रेड करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर भी आप विश्वास करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई भी स्ट्रेटजी किसी के लिए वर्क करती है तो सबके लिए वो ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक इंडिकेटर जो है हमारा EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको लगभग सब लोग यूज करते हैं, जाना माना इंडिकेटर है। ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, डाटा के साथ में चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की, ठीक है। सेटिंग के बाद में इसको यूज करने की जो स्ट्रेटजी है ना, वो हमारी GRCB स्ट्रेटजी के साथ में कॉम्बिनेशन इसको किया है मैंने, क्योंकि GRCB स्ट्रेटजी जो है ना वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, उसके कंफर्मेशन के लिए मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो GRCB को समझ नहीं पाते हैं कि GRCB स्ट्रेटजी को यूज कैसे करें, तो ये स्ट्रेटजी के लिए मैंने GRCB को भी इसमें यूज किया है और इंडिकेटर को भी मैंने यूज किया है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये स्ट्रेटजी मैंने बनाने की कोशिश की है, जो अच्छे कंफर्मेशन के साथ में एक बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है, यहाँ पर जो लेंथ है, इसको लेंथ को 9 से आपको हटा देना है और यहाँ पर 15 इसको डाल देना है, 15 लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रखना है, सोर्स को क्लोज रखना है, ऑफसेट को 0 रखना है। बाकी ये सब आप देख लीजिए, आपको यही सेटिंग करनी है। स्टाइल में आप चाहें तो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू से हटाकर इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ब्लैक कर दिया और इसकी जो थिकनेस है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि ये क्लियर दिखे, ओके। बस इतनी सी सेटिंग है, आपको ये कर लेनी है, ठीक है। बाकी अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि ये स्ट्रेटजी यूज कैसे करनी है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का वर्क क्या है, GRCB स्ट्रेटजी क्या है, वो चीज आप समझ लीजिए। उसके बाद हम समझेंगे कि बैक टेस्ट में ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात समझ ली है कि यहाँ पर जो ट्रेड आपको मिलेंगे ना इस स्ट्रेटजी से, वो काफी ज्यादा ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। कभी कभी होता है कि 4-5 ट्रेड आपको दे दे, ठीक है। मार्केट साइडवेज होगा तो आपको हो सकता है ना ट्रेड कई सारी मिल जाए, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आपको एक ही ट्रेड में आपको एक महीने का प्रॉफिट ये निकाल कर दे दे, ठीक है। ये भी चांसेज है। तो इसलिए आपको क्या है कि सबसे पहले जो भी लोग नए आए हैं, जिनके पास में या कोई भी ब्रोकर अभी नहीं है, डीमेट अकाउंट अभी कोई भी नहीं है, तो भाई डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो सबसे बेस्ट ब्रोकर मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा जो है एमस्टॉक। एमस्टॉक एक अकेला ऐसा ब्रोकर है जो आपको 0 ब्रोकरेज दे रहा है लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जीवन भर आपको 1 रुपये का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अभी आपके सामने जो मैं यूज कर रहा हूँ ये भी एमस्टॉक का ही चार्ट है, ठीक है। बात करें एमस्टॉक की, तो यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, यानी कि सभी इंडाइसेज आपको एक ही लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे। ग्लोबल इंडाइसेज का डाटा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में आपको FIDI का डाटा भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। बात करें चार्ट की, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी का भी चार्ट वन क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कितनी भी वॉचलिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि वन क्लिक में आप यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे आप इसका डेप्थ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सी खासियत है जो आपको यहाँ पे एमस्टॉक दे रहा है, ठीक है। बात करें इसके फैसिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज दे रहा है लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जीवन भर 1 रुपये का ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड साथ ही आपको MTF मिल रहा है 6.99% के साथ, अप टू 80% फंडिंग विद 700+ स्टॉक्स में, ठीक है। तो MTF भी बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी कि वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट एंड एडवांस टूल्स के साथ में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड IPOs में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ब्रोकरेज मिल रहा है, नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ, यानी कि जीवन भर के लिए एक भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अदर चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री इंट्राडे, फ्री डिलीवरी, फ्री F&O, फ्री करेंसी ट्रेडिंग, फ्री म्यूचुअल फंड्स, फ्री IPO, यानी कि सब कुछ फ्री है। नो ऑर्डर लिमिट, नो एक्सपायरी रेस्ट्रिक्शन, नो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे दे रखा है ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो ब्रोकरेज को कैलकुलेट करके देख लेते हैं पहले। तो अगर आप एमस्टॉक के अलावा किसी भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस में 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगता है, और अगर आप 15 लॉट ट्रेड करते हैं डेली एंड इक्विटी में 20 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगता है, और 10 ऑर्डर आप डेली ट्रेड करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्ज बन जाएगा 1,20,000 रुपये। तो आपको 1,20,000 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप एमस्टॉक को यूज करते हैं तो आपको मिल रहा है 0 ब्रोकरेज, यानी कि आप 1,20,000 के ब्रोकरेज चार्ज से बच सकते हैं एमस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने से। बात करें इसके टर्नओवर की, तो यहाँ पर 7,11,515 करोड़ से ज्यादा का इसका टर्नओवर है। ब्रोकरेज ये बचा चुके हैं 145 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एक साल में। MTF बुक किया 1868 करोड़ से ज्यादा का, 4 स्टार की इसके एप्लीकेशन की रेटिंग है। 64 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे ट्रेड्स हो चुकी है, और रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है इसकी 6240 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 2 साल में 15 लाख से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे बेस्ट ब्रोकर ये कैसे है, ठीक है। बात करते हैं सबसे जरूरी जो है यहाँ पर, वो है प्राइसिंग।
प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर 0 ब्रोकरेज फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन चार्जेज हैं इसके, ठीक है, छोटा सा चार्ज है इसका। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक 999 का है, एक 0 है, जो 150 रुपये का था वो 0 किया हुआ है, यानी कि फ्री में, ठीक है। अगर आपको फ्री में चाहिए, अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं, तो आपको 0 ब्रोकरेज मिलेगा डिलीवरी में, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में, ठीक है। ब्रोकरेज लगेगा 20 रुपी, एप्लीकेबल ऑन ऑल सेगमेंट्स पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर पर 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा सभी में, डिलीवरी और म्यूचुअल फंड और आईपीओ में 0 ब्रोकरेज मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप सभी चीजों में से 0 ब्रोकरेज लेना चाहते हैं, यानी कि डिलीवरी, म्यूचुअल फंड एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सभी में आपको 0 ब्रोकरेज चाहिए, तो आपको 999 का आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जीवन भर के लिए, ठीक है। ये मंथली या ईयरली नहीं है, सिर्फ 999 रुपये देकर 0 ब्रोकरेज मिलेगा आपको, डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ, यानी कि सभी में आपको 0 ब्रोकरेज मिलने वाला है। साथ ही आपको 999 रुपीज आपको एएमसी चार्जेस देना पड़ेगा सिर्फ एक बार जीवन भर के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कंपेयर देख सकते हैं अदर ब्रोकर्स में, सभी में यहाँ पर देखें तो डिलीवरी में एम स्टॉक 0 ले रहा है, बाकी सब में 20 रुपये है, सब में 10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 16 रुपये, 9 रुपये, 54 रुपये, 20%, 20%, यानी कि सभी ब्रोकर्स कई तरह का चार्ज ले रहे हैं, आपसे चार्ज काटे जा रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रोकरेज बन जाता है। लेकिन एम स्टॉक सब में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 0 है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्री में अकाउंट ओपन कराते हैं या 999 रुपीज में, ठीक है। बाकी इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इसमें अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अकाउंट ओपन करा लीजिए, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जीआरसीबी स्ट्रेटजी को समझ लीजिए, जिन्होंने अभी तक जीआरसीबी को नहीं समझाया एक मिनट में समझा देता हूँ। डिटेल में समझना है तो वीडियोज काफी बड़ी है यूट्यूब पर, मेरे ही चैनल पे जीआरसीबी के नाम से, उन वीडियोज को देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे जीआरसीबी क्या, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। मार्केट अगर कहीं से गिर रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं से गिर रहा है तो वहां पर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए मार्केट गिर रहा है, तो वहां पर एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल जहां पे आ जाएगी, यानी कि बायर्स वहां पे इंटरेस्ट हो रहे हैं, या तो वो चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जाए, या फिर वो चाह रहे हैं कि ये गिरावट रोक दी जाए, ठीक है। वो कुछ भी चाहे, हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल, यानी कि बायर्स का इंटरेस्ट, बायर वहां पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस ग्रीन कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट नीचे की ओर होगा, यानी कि बायर्स की उम्मीदों पर जब पानी फिरेगा, ठीक है, सीधा सीधा मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, जब बायर्स का हौसला टूटेगा, बायर्स चाहते हैं मार्केट यहां से ऊपर की ओर जाए या फिर मार्केट यहीं पे रुके, लेकिन वहां से फिर भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं तुरंत पुट बाई करूंगा, ठीक है। यह है जीआरसीबी स्ट्रेटजी, तुरंत मैं पीई बाई करूंगा, मार्केट में जो शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो लेकर मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा। बहुत ही गजब की और छोटी सी साधारण सी स्ट्रेटजी है जो आपको रियल में रोजाना प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। वहीं पे पुट साइड से कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में जैसे कि बायर्स के साथ जहां से देखिए मार्केट ने गिरावट दिखा दी, अभी यहाँ पे बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, बायर्स गए फिर मार्केट गिर गया, ठीक है, रेड कैंडल आ गई, ठीक है। रेड कैंडल का ब्रेकआउट अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे और कर देती, ठीक है, यहाँ से इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट और ऊपर की ओर जाता ना, नई ग्रीन कैंडल ऊपर जाती, तो मैं यहाँ पे कॉल बाई करता, क्योंकि बायर्स ऊपर जा रहे हैं, सेलर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं और गिराने की, लेकिन बायर्स और ऊपर ले जा रहे हैं, तो मैं वहां पर फिर से कॉल बाई करूंगा। वही यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आई हैं, यहाँ पर बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, छोटी सी एक सिंगल रेड कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करती है, ठीक है, इस कैंडल का जैसे ही ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ना, जैसे इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, तुरंत मैं यहाँ पे कॉल बाय करता हूँ, और देख सकते हैं आप यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला है। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे गिरने लगा है, रेड कैंडल के साथ में फिर से एक ग्रीन कैंडल आई है, फिर से मार्केट गिरने लगा है, तो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट जैसे हुआ है पुट बाय करते ही बूम करके एक शॉर्ट प्रॉफिट, शॉर्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 24,914 से मार्केट गिरा है यहाँ पर 24,851, ठीक है, तो लगभग ये 70-80 पॉइंट की मूवमेंट है, काफी अच्छी मूवमेंट है, ठीक है, वो भी निफ्टी में, ठीक है। तो ये हमारी जीआरसीबी स्ट्रेटजी है। अब इसको इंडिकेटर से यूज कैसे करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपको हर जगह बनती हुई दिख सकती है, मे बी चांसेज है कि जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट, यहाँ पे कॉल करते ही फंस जाओगे, ऐसे करके वगैरह वगैरह, यहाँ पे कई तरह के आपको मूवमेंट्स मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेटर डाला है। इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेटर आपको बताएगा मोमेंटम कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है या फिर अप ट्रेंड है। कैसे कि मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर के ऊपर से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आई है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स आई है मतलब कि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन हमें कॉल बाई कब करना है, जब ये रेड कैंडल, जीआरसीबी स्ट्रेटजी के हिसाब से जब ये रेड कैंडल यहाँ पे आई है ना, इस रेड कैंडल का दोबारा से ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा ना तुरंत, तब मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। तुरंत यहाँ पे रेड का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पर कॉल बाई करके भी नहीं फंसाऊं साइडवेज में, ये होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आई, तुरंत यहाँ पे रेड कैंडल आई, अगर मैं यहाँ पे कॉल बाई करता हूँ तो यहाँ तक का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तुरंत आप यहाँ पे कॉल या पुट बाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये जो कैंडल्स है, इनडिसीजन कैंडल्स है, यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट ने गिरावट दिखाई, आप लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर वो भी कह रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि इंडिकेटर के नीचे मार्केट आया है, लेकिन हम ट्रेड कब करेंगे, जब हमारी जीआरसीबी स्ट्रेटजी बनेगी।
जीआरसीबी क्या कहती है कि रेड कैंडल से बात में ये ग्रीन कैंडल आनी चाहिए जो कि यहाँ पे आई है। तो इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट दोबारा से नीचे होता ना, मैं तुरंत यहाँ पे पुट बाई करूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी यही करना है कि रेड कैंडल्स, ठीक है, पहले तो इंडिकेटर का ब्रेकआउट नीचे हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल्स के साथ में ग्रीन कैंडल आएगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट जब नीचे की साइड में होगा तो यहाँ पे पुट बाई किया जाएगा। पुट बाई करते ही देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्केट में मोमेंटम आ जाता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर क्यों निकल गया। जिन्होंने यहाँ पे पुट बाई किया होगा उनका यहाँ पे लॉस हो गया सर। ओके, वही यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी कब बनती है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, देख सकते हैं यहाँ से देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे 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 नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता जा रहा है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर रहा है। ओके, मार्केट धीरे धीरे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, फिर उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट 15 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नीचे की ओर हो रहा है तो भी आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिकेटर के नीचे मार्केट है। लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्ट प्रॉफिट लेना सीखिए। ठीक है, बड़े प्रॉफिट के लालच में कभी मत रहिए क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये आपको मौके रोजाना देगी और घाटे भी रोजाना दे सकती है। तो छोटा प्रॉफिट लीजिए, प्रॉफिट जरूरी है, ना कि कितना प्रॉफिट लिया है, छोटा प्रॉफिट बहुत जरूरी है बड़े लॉसेज से। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ी मोमेंटम नीचे की साइड में दिखाई, तो ये मत समझिए कि मार्केट मोमेंटम देकर निकल गया, काफी बड़ा मार्केट है, हो सकता है मोमेंटम आज ना मिले कल मिल जाए, लेकिन छोटे प्रॉफिट की तलाश में रहिए, आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में ग्रीन कैंडल आई है, हमें सतर्क हो जाना, तैयार हो जाना कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पे पुट को बाई करूंगा। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट नीचे हुआ मैं पुट बाई करता हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ग्रीन कैंडल का हाई। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है, उसी कैंडल का हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है जहां पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तुरंत यहाँ पे आपको ये बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। वैसा यहाँ पे हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दिखाई है, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नीचे की हुआ, यहाँ पे पुट आप सब यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए हायर लो हायर लो हायर। ठीक है, हायर जाने तो यहाँ पे देखिए पहले हायर लो लगा सकता है ना, तो यहाँ पे लो लगा के फिर ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे रेड कैंडल, सिंगल रेड कैंडल आई है ना जो ईएमए के ऊपर है, उसका ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे कॉल बाय किया जाएगा। ठीक है, रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे कॉल बाय किया तो यहाँ पे घूम करके बढ़िया प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हायर लो हायर लो हायर, फिर से एक लो, फिर से यहाँ पे हायर जा रहा है तो फिर से एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल आ गई है, ऊपर मार्केट जा रहा है, सिंगल रेड कैंडल ब्रेकआउट हुआ, कॉल बाय किया। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ से देखिए हायर लो, फिर से एक और नया आया, फिर से लो, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से एक रेड कैंडल। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, एक और रेड कैंडल, उसका जैसे ही ब्रेकआउट किया कॉल बाय किया। ठीक है, कहां तक आप होल्ड करेंगे बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मार्केट नीचे गिर रहा है, रेड कैंडल्स आ गए, ग्रीन कैंडल आई, ब्रेकआउट किया, पुट बाई किया, अगर प्रॉफिट बुक ना कर पाए तो यहाँ पे डे खत्म हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये होता है आपका एक स्टॉप लॉस, यानी कि ऐसे आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं लेकिन छोटे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट बाई किया, मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंटम दिया, तुरंत रिकवरी किया, हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो छोटा सा ही रेट टू रेट या फिर 10-5 पॉइंट का आपको लॉस जा सकता है। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में आपको फंसाएगा लेकिन मोमेंटम में एक बड़ा प्रॉफिट देगा। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि जब रेड या ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम फास्ट होता है। जैसे मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिखा, रेड कैंडल्स आई यहाँ पे, यहाँ रेड के साथ में ग्रीन कैंडल्स आई, ग्रीन कैंडल्स का ब्रेकआउट फास्ट में हुआ है ना, आप जैसे ही पुट बाई करेंगे मार्केट ने मोमेंटम बढ़ा दिया, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट बड़ा प्रॉफिट, ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट बड़ा मूवमेंट। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स का ब्रेकआउट बड़ा मूवमेंट, मोमेंटम बड़ा आता है। ठीक है, फास्ट में आती है, प्रीमियम बहुत फास्ट में बढ़ता है। ठीक है, तो जीआरसीबी स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप लोगों के लिए मैंने यूट्यूब पर एक अपने ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप डीपली इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। मेरी पर्सनल और अकेली स्ट्रेटजी है जिससे मैं यूज करता हूँ, इतनी सारी स्ट्रेटजी मैंने चैनल पे डाली हुई है, लेकिन जीआरसीबी सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोमेंटम बहुत बड़ा आया। ठीक है, यहाँ से मार्केट से यहाँ तक आया तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि यहाँ पे घुसने की, कि यहाँ पे कॉल बाय किया जाए, भाई मोमेंटम काफी तगड़ा आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमारी जीआरसीबी यहाँ भी काम कर रही है कि रेड कैंडल आई, सिंगल रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ भी सिंगल रेड कैंडल है, यहाँ पे कॉल बाय किया जा सकता है, यहाँ भी सिंगल रेड कैंडल है, यहाँ भी कॉल बाय किया जा सकता है, और फास्ट में मूवमेंट आई है, हो सकता है यहाँ पे आपको मूवमेंट मिले फिर भी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है बाकी ब्रोकरेज को कम करने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है दिन में 10 ट्रेड करें, हो सकता है 20 करें, तो ब्रोकरेज को कम करने के लिए या फिर जीरो ब्रोकरेज के लिए, यानी कि 1 रुपये का भी ब्रोकरेज चार्ज ना देने के लिए मैंने आपको एक ऐसा डीमेट अकाउंट बताया है जो लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है एम स्टॉक। ठीक है, एम स्टॉक को यूज कीजिए, एम स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, आप लोग चाहें तो फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप चाहें तो 999 रुपये देकर आप जीवन भर के ब्रोकरेज चार्ज से बच सकते हैं। ठीक है, और एएमसी चार्जेस भी उसमें सिर्फ 999 का ही है, जिसमें आप जीवन भर के एएमसी चार्जेस से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप अकाउंट ओपन करके अपने ट्रेडिंग लाइफ को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से शायद आपको कुछ सीखने के लिए तो मिला ही होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।